जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक प्रीएम्बल के बारे में। और प्रीएम्बल पढ़ना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड हमें प्रीएम्बल भी पढ़ना होता है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से देखिए। प्रीएम्बल हम लोग शुरू करते हैं। प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्टरी और एक्सप्रेशनरी स्टेटमेंट है किसी भी डॉक्यूमेंट का। ध्यान दीजिएगा, डॉक्यूमेंट जो बोला जा रहा है यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो डॉक्यूमेंट का इंट्रोडक्शन है और एक्सप्रेशनरी यानी उसका भाव प्रकट करने के लिए प्रीएम्बल का इस्तेमाल होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट का पर्पस और अंडरलाइन फिलोसफी जो भी है उसके बारे में बताता है हमारे को हमारा प्रीएम्बल। और स्टैट्यूट, जो स्टैट्यूट यहाँ पे देख रहे हैं, इसका अर्थ होता है रिटन लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो स्टैट्यूट है, रिटन लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेटिव बॉडी, उनके बारे में भी हमें प्रीएम्बल बताता है कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में। जैसे हमारे प्रीएम्बल में रिलीजन है, रिलीजन को आइडिया है, सेकुलर आइडिया है, हमारे यहाँ इक्वालिटी है, क्योंकि हमारे अगर हम हिस्ट्री में जाए तो बहुत सारे डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस होती चली आई हैं, जिसकी वजह से उसको हटाने के लिए, इन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को, भेदभाव को हटाने के लिए हमें अपने प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन में जगह देना पड़ा। तो इस कारण से क्या होता है कि स्टैट्यूट का जो उसके ऑब्जेक्टिव है उसको प्रीएम्बल हमें बताता है। साथ में ये लॉन्ग टाइटल और इनएक्टिंग फॉर्मूला से अलग होता है। ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग टाइटल का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल से समझाते हैं। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, इसकी जरूरत क्या पड़ी? तो इसकी जरूरत जो जरूरत क्या पड़ी है, इसका एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव डिजाइंड है। गेटिंग? हर स्टैट्यूट जब बोलता हूं तो इसका मतलब होता है रिटन लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी। हर स्टैट्यूट का अपना अपना लॉन्ग टाइटल है, उसका पर्पस क्या है उस कानून का। गेटिंग? पहले तो लॉन्ग टाइटल समझ गए। लॉन्ग टाइटल का मतलब कि वो स्टेटमेंट, वो जो ऑब्जेक्टिव जो किसी कानून के लिए होता है, कि उसका बना ही क्यों है वो कानून। गेटिंग? इसके अलावा इनएक्टिंग फॉर्मूला, इसका मतलब होता है कि कोई बेसिक लॉ या फंडामेंटल लॉ जिसके आधार पे बाकी सारे लॉ उससे जुड़े हुए बनाए गए हैं। तो लॉन्ग टाइटल स्टेटमेंट जो बताता है नीड किसी स्टैट्यूट का, और इनएक्टिंग फॉर्मूला फंडामेंटल लॉ या बेसिक लॉ जिसके आधार पर रिलेटेड लॉज बनाए जाते हैं। तो इन दोनों से अलग होता है आपका प्रीएम्बल, और प्रीएम्बल सिर्फ आपको वो होल सम में बताता है। सिर्फ ये तो इंडिविजुअल है, लॉन्ग टाइटल किसी स्टैट्यूट के लिए हो सकता है, इनएक्टिंग फॉर्मूला किसी स्टैट्यूट के लिए हो सकता है, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रीएम्बल तो वो पूरा होल सम आपको उस डॉक्यूमेंट का जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है वो आपको बताता है। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए, कुछ और कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ और प्रीएम्बल्स है अराउंड द वर्ल्ड जो आपको लागू है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईरान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, ये मौजूद है, इनका अपना प्रीएम्बल मौजूद है। आप चाहें तो पॉज करके इनको पढ़ भी सकते हैं, पॉज करके ये प्रीएम्बल का जो पार्ट है ईरान का और आयरलैंड का आप पढ़ सकते हैं। इस तरह से और भी देशों का है, देखते हैं। ये रशियन फेडरेशन का अपना प्रीएम्बल है, वी द मल्टीनेशनल पीपल ऑफ द रशियन फेडरेशन। इसके अलावा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का भी अपना प्रिंसिपल, ये प्रीएम्बल है। कहने का मतलब है कि आप जो देख रहे हैं वो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अराउंड द ग्लोब जितने भी जो भी सोवरेन नेशंस हैं उनके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो प्रीएम्बल भी होगा। छोटे में समझे तो कॉन्स्टिट्यूशन एक मूवी है और प्रीएम्बल उसका ट्रेलर, जिसमें मूवी का पूरा, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा सार होता है। फिर इसी तरह रिपब्लिक ऑफ ब्राजील का देखिए, अपना प्रीएम्बल है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना का खुद का प्रीएम्बल है, देख रहे हैं, यानी जहां जहां कॉन्स्टिट्यूशन है उनका अपना प्रीएम्बल मौजूद है। यूनाइटेड नेशन का देखिए, यूनाइटेड नेशन का ये प्रीएम्बल आप देख रहे होंगे। ये देखना जरूरी है इसलिए भी क्योंकि प्रीएम्बल की नीड क्या है इसको समझ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की खुद की है, इसे देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है।
क्योंकि प्रियम्बल हमने लिया है यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से, प्रियम्बल के आइडियोलॉजी को हमने सीखा है। ध्यान से देखिएगा, हालांकि ये क्लियर बहुत नहीं होगा, आपको बोल्ड लेटर्स दिख पा रहा होगा जो कि आपका प्रियम्बल है, लेकिन पीछे देखिए ये आपका जो डॉक्यूमेंट है ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ये जो पीछे वाला साइड है, और उसमें भी अगर बहुत गौर से देखेंगे गूगल इमेज पर ये इमेज मौजूद है, तो अगर आपको देखना होगा तो गूगल इमेज पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें गौर से, वी द पीपल, ये रहा आपका प्रियम्बल वाला पार्ट, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। यानी देख रहे हैं हमने जिनसे सीखा है, आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान का भी खुद का अपना प्रियम्बल है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया का अपना प्रियम्बल मौजूद है, प्रियम्बल होता ही है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन जापानीज डायट का अपना प्रियम्बल एक्सेप्टेड है, और उसके बाद देखिए साउथ अफ्रीका का खुद का प्रियम्बल मौजूद है आपको। इसके बाद ये दोनों जो है पेजेस मैंने एनसीईआरटी के आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप देखें आपके एनसीईआरटी में ये मौजूद है, ये पेजेस जिसमें बताया गया है कि वो गाइडिंग वैल्यूज कौन है जिसके आधार पर आपके प्रियम्बल को डिजाइन किया गया, बनाया गया। ये दोनों पेजेस हैं, अभी इसको बारे में हम लोग बृहद तौर पर चर्चा भी करेंगे, इसको देखेंगे। हाँ, आपका जो प्रियम्बल है वो प्रियम्बल का आधार कैसे बना, मतलब आधार किस चीज से बना, बना ही कैसे शुरुआत, तो प्रियम्बल जो है वो अब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया था। ध्यान दीजिएगा, 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें चाचाई बोलते हैं पॉपुलरली, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जिम्मेदार थी, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया, जिसमें अपने मदरलैंड के प्रोटेक्शन के बारे में बात था, सोवरेनिटी की बात था, इक्वालिटी की बात थी, माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन की बात थी, बहुत सारे आपको उसमें इश्यूज को रखे गए थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि भाई हमें अपने देश को अब आगे कैसे ले जाना है, क्योंकि ब्रिटिशर्स से पावर ट्रांसफर हो चुका था। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये प्रियम्बल का 20 ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया। अब जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उसमें जो वर्ड्स मौजूद थे, जो वैल्यूज आइडियाज मौजूद थे, वो थे सोवरेन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक, ठीक है जी। लेकिन जो हमारे ड्राफ्टिंग कमिटी थी उन्होंने सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को रखा। देखिएगा, लैंग्वेज मिलता जुलता है और स्पिरिट को बरकरार रखा गया है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के। जवाहरलाल नेहरू जी वाले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में था इंडिपेंडेंट, यहां डेमोक्रेटिक को जोड़ा गया, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। पॉज करके देखना हो तो देख भी सकते हैं। इसके अलावा जरूरत महसूस हुई होगी आपको, जरूरत महसूस हुई और ड्राफ्टिंग कमेटी ने फ्रेटर्निटी वर्ड को आपको प्रियम्बल में जोड़ा, यहां लिखा भी है, देखिएगा, फ्रेटर्निटी वर्ड को जोड़ा गया जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में मेंशन नहीं था। इसके बाद ये दोनों इमेजेस को देखिए, जो यहां लिखा है वही मैं बता रहा हूं। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 का, ये आपका भारत का प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का, और दूसरा है 1976 का। आप गौर कीजिए कि 26 जनवरी 1950 में We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic. यहाँ देखिए तीन values है जो लिखा है, sovereign democratic republic. जब 42nd amendment 1976 को emergency लागू था भारत में, तब बदलाव किए गए हमारे constitution के preamble में, और तय किया गया कि sovereign socialist secular, यानी सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को जोड़ा गया आपको भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में। देख रहे हैं 1950 में यहाँ पे ना तो सोशलिस्ट है ना तो आपको सेकुलर वर्ड है, लेकिन यहां पर सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को जोड़ा गया, यानी यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिर है प्रियम्बल को जो हाईलाइट है, हमारे इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन का हाईलाइट है, वो अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, और फाइनली 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने इनैक्ट कर दिया, जिस दिन को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फेरबदल किया अपने डिसीजन में। सबसे पहला बेरूबेरी केस, यहाँ देखिएगा लिखा होगा आपको, बेरूबेरी केस यहाँ पे दिया होना चाहिए, ये रहा बेरूबेरी केस है, आप इसे पॉज करके देख लीजिएगा।
बीरू बेरी केस में तय किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि भैया जो प्रियम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इंटीग्रल पार्ट नहीं, क्या प्रियम्बल इंटीग्रल पार्ट के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं माना गया कि वो नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती 1973 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलट दिया और तय किया कि हाँ, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है प्रियम्बल, सो हम बदलाव या अमेंडमेंट उतना डिग्री तक नहीं कर सकते जिससे कि उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? फंडामेंटल स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए। मैं जब फंडामेंटल स्ट्रक्चर बोलता हूं तो मैं कहता हूं कि मैंने कह दिया कि राइट टू इक्वालिटी हटा दिया। अरे भाई, राइट टू इक्वालिटी मैंने कहा आर्टिकल 14-18 मैंने हटा दिया कॉन्स्टिट्यूशन से। अब तो 14-18 अगर हटा रहे हैं तो इसका मतलब ये भी होता है कि हमने इक्वालिटी ही हटा दी। हमें जो सदियों से हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन होते आया है और अभी भी भारत के कुछ हिस्सों में जो अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है, हो रहा भी है, तो अगर इक्वालिटी हटा देंगे तो हो सकता है कि वहां पे डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ जाए। गेटिंग माय पॉइंट? तो कहने का मतलब है कि हम परिवर्तन उतना ना करें जिससे कि मूल भावना ही बदल जाए आपको कॉन्स्टिट्यूशन का, जो केशवानंद भारती के केस में तय किया गया। शॉर्ट ट्रिक्स देखिए प्रियम्बल का। श्वेता टेल सम सीक्रेट टू डी आर जस्ट लाइक एवरी फ्रेंड। यहां से क्वेश्चन स्टेज टू स्टेज वन में क्वेश्चन पूछा है और भी जगह पे क्वेश्चन पूछा है कि सिक्वेंशियल ऑर्डर में उन वैल्यूज को लिखिए, गाइडिंग वैल्यूज को लिखिए जो सिक्वेंशियल, उन आइडियाज को लिखिए। अब ध्यान दीजिएगा, आपको ये देखना है कि श्वेता टेल, ये कुछ ऐसे वियर्ड से कुछ ट्रिक्स हैं जो कि याद किए जा सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, इसको आप सिक्वेंस में ही याद रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ जो प्रियम्बल का जो उसमें जो लिखे हुए हैं उनको समझने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं जो आपको एनसीईआरटी से ली गई है। ध्यान से देखिएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग किसी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को हमने फ्रेम किया, हम लोगों ने फ्रेम किया, इनडायरेक्टली हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने, और हम भारत के लोग, अब भारत पे हम लोग राज कर रहे हैं, ना कि हम लोग किसी मोनार्की में है, ना हम लोग किसी डिक्टेटरशिप में है। वी द पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर कंट्री। हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन, जब हम लोग सोवरेन बोलते हैं तो इसका मतलब होता है टेकिंग डिसीजंस विदाउट एनी इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर। अगर आप भी अगर सोवरेन सोवरेनिटी रखते हैं, दैट मींस यू आर नॉट कमिंग इनटू एनी प्रेशर। गेटिंग माय पॉइंट? यानी आप प्रेशर में नहीं आकर के डिसीजन इजीली लेते हैं। सोशलिस्ट यानी जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली हो, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को आपको रेगुलेट करना चाहिए ओनरशिप ऑफ लैंड और इंडस्ट्रीज को, ताकि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं उसे हम रिड्यूस कर सके। बिल्कुल। फिर आइए सेकुलर, हम लोगों का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं, इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन दैट मेक्स इंडिया सेकुलर नेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, पाकिस्तान और श्रीलंका इज नॉट ए सेकुलर नेशन बट यू कैन से कम्युनल। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में इस्लाम प्रैक्टिस की जाती है, उनका ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है, और श्रीलंका में उनका ऑफिशियल रिलीजन बुद्धिज्म है। आप क्लास 10 का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग में भी पढ़ सकते हैं। तो सेकुलर आप कुछ भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक है कि जहां पर हम अपने रूलर्स का इलेक्शन करते हैं, इलेक्ट करते हैं, अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का एंजॉय करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? और एक फ्रीक्वेंटली फ्रीक्वेंट टाइम के बाद फिर से 5 साल के टेन्योर के बाद फिर से हम उनका इलेक्शन करते हैं। इलेक्शन इज द मेजर की इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, है ना, और उस गवर्नमेंट को भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार ही रन करना होता है, बाउंड होते हैं गवर्नमेंट भी। रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, रिपब्लिक क्या है? राजा का बेटा आज राजा नहीं बनेगा, वैसे राजा बनाना ही क्यों है। आज हेड ऑफ द स्टेट विल बी द इलेक्टेड वन, नॉट द हेरिडिटरी वन। गेटिंग माय पॉइंट? यानी हमारे यहाँ जो सुप्रीम पोस्ट है, यानी हाईएस्ट पोस्ट है प्रेसिडेंट, उनका चुनाव होता है। हम कभी नहीं कह सकते कि ब्रिटेन एक रिपब्लिक है, कारण क्योंकि वहां क्राउन है, मोनार्क है, इसीलिए वो यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं।
जस्टिस, जस्टिस किस आधार पे? जस्टिस है सोशल, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, जेंडर, रिलीजन, किसी भी आधार पे, सोशल आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, अगर होता है तो आपको जस्टिस सर्व किया जाएगा। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक में जो मेल है फीमेल है, जॉब का इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, वेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, मेल और फीमेल में सेम वर्क के लिए सेम वेजेस होने चाहिए, इवन दो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किसी भी तरह से नहीं हो सकता, नहीं तो जस्टिस सर्व की जाएगी आपको। फिर है पॉलिटिकल, आप इंजॉय कर सकते हैं अपने पॉलिटिकल राइट्स जो आपको दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, इंश्योर किया गया है, आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे खड़े हो, चाहे आप वोट दो, यानी आप इंजॉय कर सकते हो इस। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, लिबर्टी यानी ये आइडिया जो है हमने फ्रांस से लिया था, और आप इंजॉय करो, लिबर्टी फ्रीडम है, आप कुछ भी मानो, सोचो, समझो, इमेज बनाओ, डिबेट करो, आर्टिकल लिखो, आप ऐसे लिखो, आप बोलो, आप अपना इंटरव्यू दो, गेटिंग माय पॉइंट, आप कुछ भी भाव प्रदर्शित करिए किसी भी तरीके से, पूरा आजादी है आपको। प्लस आप कोई भी पूजा करो, किसी की भी पूजा करो, वर्शिप करो, आपको कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि ये कंट्री एक सेकुलर नेशन है और आपको आइडियाज अपने बिलीफ के लिए पूरी लिबर्टी है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी यानी एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल यानी स्टेटस का, यानी आप राजा हैं या हम प्रजा हैं, है ना, हम लोग में समानता होगी ही, इसमें कोई ये नहीं है कि आप राजा हैं तो आप सुप्रीम हो गए, ठीक है ना, सुपीरियर हो गए, नहीं, हम लोग के स्टेटस सेम ही होगा, यानी वी आर सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, और अपॉर्चुनिटी में भी इक्वालिटी होगा, आप बड़े घर से हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा, मैं छोटे घर से तो मेरे को अपॉर्चुनिटी कम, नहीं, यानी हमारे स्टेटस और अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं कि आप कहां से आते हैं, हम सब एक हैं। इसके बाद फ्रेटर्निटी अमंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी इन डिग्निटी ऑफ द नेशन, यानी फ्रेटर्निटी ऑफ द डिग्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी, यानी एक इंडिविजुअल की भी डिग्निटी, कोई भी वायलेट करके नहीं जा सकता, आपको कोई कुछ बोल नहीं सकता, हर्ट नहीं कर सकता, आप गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि एक इंडिविजुअल यानी आपके डिग्निटी, आपके मान सम्मान की रक्षा करे, नंबर वन। दूसरा यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है वननेस, यानी हम और आप क्या है, एक है, यानी माय पॉइंट, यानी हम और आप एक कैसे हैं, हम लोग इंडियन है, बहुत सारी बातें हैं जो आप में और मेरे में कॉमन है, जो हम लोग को एक राष्ट्र बनाता है। क्लास 10 के पहला चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप में नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट लिखा है, जो कि अच्छा कॉन्सेप्ट है कि एक देश को एक होने में वो कौन कौन से फैक्टर मदद करते हैं, गेटिंग, ना कि हमें मॉडर्न स्टेट होना है जिसमें कि टेरिटरी किसी और की टेरिटरी को हम अपने में मिला करके जबरदस्ती उनके ऊपर भी थोपे कि नहीं तुम वो हो जो हम हैं, गेटिंग माय पॉइंट। हाँ, और इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ये मॉरल और एथिकल कोड है, इसका मतलब होता है अखंडता, हम लोग में कुछ अंतर भी है हम में और आप में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग टूट के अलग हो जाए, है ना, देश को यूनाइट और इंटीग्रेट इंटीग्रेट करके हमको रखना है। तो 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया और इसे हम भारत के लोगों को समर्पित करते हैं प्रीएम्बल के थ्रू, प्रीएम्बल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को हम भारत के लोग इसे समर्पित करते हैं, एडॉप्ट करते हैं इसको, इस प्रीएम्बल को। तो कोशिश है कि प्रीएम्बल के जितने तर ज्यादातर फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को गैदर करने का कोशिश किया गया है एक ही वीडियो में, जहां जरूरत लगता है वहां वीडियो पॉज करके उन चीजों को पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे गए सवाल हैं उनको इसमें रखकर आके इस चैप्टर में रखने की कोशिश किया गया है, और इसे पढ़ें, ये काफी इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, अभी के लिए बस इतना ही, जय हिंद एवरीवन।